हाय गाइस, मैं अभी एक टेक्निकल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, बेसिकली जो टेक्निक्स जो हैं, वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड लेता हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू दी कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट के अंदर। नंबर वन इज फिबोनाची टूल्स, ठीक है। फिबोनाची टूल के अंदर बेसिकली दो टूल्स मैं यूज करता हूँ। एक है फिब रिट्रेसमेंट, सेकंड है फिब एक्सटेंशन। और इसके अलावा जो सेकंड कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो है डाइवर्जेंस। ऑलराइट, पहले मैं आपको डाइवर्जेंस बता देता हूँ। डाइवर्जेंस क्या है? देखो, जब भी प्राइस, लेट्स से ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है जी, प्राइस नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया, पहला लो क्रिएट किया उसने, उसके बाद उसने फिर और एक लो क्रिएट किया, बेसिकली हमारे पास ये दो लो पॉइंट्स क्रिएट हो गए, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ L1, और सेकंड को मैं मार्क कर देता हूँ L2। अब हमारे पास ये प्राइस है, प्राइस चार्ट है, प्राइस चार्ट के ऊपर डाउनवर्ड ट्रेंड है और उसमें दो लो पॉइंट्स क्रिएट हो गए L1 एंड L2। अब L1 और L2 में अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये मैंने रेड मार्क कर दिया। ओके, एट द सेम टाइम जो नीचे मैं इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, बेसिकली मैकडी एंड स्टोकास्टिक, उनमें जो होगा वो सेम पॉइंट पे हमारे जो लो पॉइंट्स हैं उनके बीच में एक डाइवर्जेंस क्रिएट होगी। वो कैसे क्रिएट होगी? इंडिकेटर भी सिमिलर फॉर्म में चलते हैं, इंडिकेटर्स भी अपना लो क्रिएट करते हैं प्राइस की तरह, ये दो लो पॉइंट्स हमारे पास आ गए एज्यूमिंग इंडिकेटर्स के ऊपर, ठीक है। अब इनके अगर लो पॉइंट्स को आप L1 और L2 को कंपेयर करोगे तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है। सो यहाँ पे लो एंड लोअर लो, L2 जो है वो L1 से नीचे है, यहाँ पे लो एंड हायर लो, यहाँ का जो L2 है वो L1 से ऊपर है। तो बेसिकली इन दोनों में एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हमने चार्ट पे ये देखना है। सबसे पहले हमने डाइवर्जेंस फाइंड करनी है। आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दिस टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट थिंग। अब हमने उसके बाद क्या करना है, दिस इज दी प्राइस जहाँ पे हमने L1 L2 फाइंड किए थे और उसके बाद हमें एक डाइवर्जेंस मिली थी। अब जब डाइवर्जेंस हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद लेट्स से रिवर्सल क्रिएट होता है। रिवर्सल
डाइवर्जेंस बेसिकली क्या शो करती है कि अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो ईदर द डाउनवर्ड ट्रेंड इज गेटिंग वीकर, ओके, एंड इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ रिवर्सल, एंड ऑन द अदर साइड वाइस वर्सा, इफ द अपवर्ड ट्रेंड इज देयर एंड देयर इज अ डाइवर्जेंस, अपवर्ड ट्रेंड में जो डाइवर्जेंस क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस, डाउनवर्ड ट्रेंड में जो डाइवर्जेंस क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, ओके. तो ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड वीकनेस हमें शो करती है डाइवर्जेंस. अब हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्म होते देखी थी, उसके बाद ये जो है अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया. अपवर्ड ट्रेंड में क्या होगा कि जो मिड पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये ब्रेक हो जाना चाहिए, ओके. जब ये वाला पॉइंट ब्रेक हो गया और ये जो मूव है इट शुड बी सो इम्पल्सिव, ये इतनी फोर्सफुल होनी चाहिए कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर निकल जाए. उसके बाद हमने अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पिक किया और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने उसको मेजर कर लिया. अब ये जो लाइंस हैं, पहला जो फिब रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो होता है 23%, उसके बाद होता है 50%. मैं राउंड नंबर्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट डेसिमल्स में उसको नहीं डिफाइन कर रहा हूँ. 23, 38, 50, आफ्टर 50 कम्स 61 के बाद आता है 78.6 जो लास्ट होता है, और उसके बीच में मैंने एक और एक लेवल डाल दिया है जो है 70%. ओके, सो नॉर्मली जब भी एक इम्पल्सिव मूव आती है तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट क्रिएट होती है, हमने एंट्री लेनी है रिट्रेसमेंट के ऊपर. तो जब मार्केट ने इम्पल्स दे दिया, ओके, उसके बाद यूजुअली जो रिट्रेसमेंट होती है वो 38 से लेके 50 के बीच में ही होती है, कभी कभी थोड़ी ज़्यादा डीप भी हो सकती है, थर्टी एट के बजाय 50% पर भी आ सकती है, एंड इन रेयर सिनेरियोस ये 61% पे भी आ सकती है. ओके, यहाँ से हमें नेक्स्ट जो ट्रेंड इसका कॉन्टिन्यूशन है उसकी एंट्री मिल जाती है. अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर ड्यू टू वट एवर रीज़न मार्केट ने जब रिट्रेसमेंट या पुलबैक स्टार्ट किया तो वो रिट्रेसमेंट जो है वो इम्पल्स जैसे था ना, स्ट्रांग इम्पल्स, मैंने कहा था कि ये इम्पल्सिव मूव है, फोर्सफुल मूव है, इसी तरीके से जो रिट्रेसमेंट है वो भी इतनी फोर्सफुल ना हो कि ये सारे फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स को तोड़ती हुई 78% से भी नीचे आ जाए. अगर ये इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट होता है तो आपने एंट्री नहीं लेनी है. ओके, चलो अब इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को मैं दिखाता हूँ आपको. ब्रिटानिया मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है ब्रिटानिया के चार्ट के ऊपर. फिब रिट्रेसमेंट से हमें एंट्री मिलेगी, फिब एक्सटेंशन टूल मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा जिसमें हमें हमारे एक्सटेंशन लेवल्स मतलब जो हमें टारगेट्स डिफाइन करने को मिलेंगे. ओके, ये सारी ड्राइंग्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ एंड आई एम मूविंग ऑन टू द चार्ट्स. ये देखो, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हमें डाइवर्जेंस जो है वो आइडेंटिफाई करनी है. मैंने मंथली चार्ट लिया है, ऑलवेज स्टार्ट योर एनालिसिस फ्रॉम द हाईएस्ट टाइम फ्रेम, तो मैं मंथली को ही पिक करता हूँ हाईएस्ट पे. ओके, यहाँ पे ये लो और एल टू लोअर लो ये क्रिएट हुआ. एट द सेम टाइम जो ये हिस्टोग्राम्स है मैकडी के ये ऊपर चले गए, तो यहाँ पे लो एंड हाई लो क्रिएट हुआ, डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई हो गई. और जो दूसरा इंडिकेटर है नीचे स्टोकैस्टिक, उसमें भी जो लो पॉइंट्स हैं वो ऊपर चले गए, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस सिनेरियो हमारे पास क्रिएट हो गया. उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हमें मिड पॉइंट हमारा टूट जाना चाहिए, ठीक है जी, ये मिड पॉइंट हमारा टूट गया. सो ये जो मूव थी ये हमारी इम्पल्सिव मूव हो गई ऑन मंथली टाइम फ्रेम ये वाली. ओके, अब मैं इस चार्ट को स्विच कर रहा हूँ वीकली पे. देखो वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपसे कहा था कि हम लो पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट पे अपना फिब रिट्रेसमेंट टूल लगाएंगे, वो हमने यूज़ किया और जो ये रिट्रेसमेंट आई है ये 38% पे आई है. ये मैं जो लाइन ड्रॉ करी थी मिड पॉइंट को ये हटाता हूँ, तो ये देखो जो सेकेंड लाइन है आफ्टर 23 सेकेंड लेवल इज 38%, सो ये एग्जैक्टली 38% पे आई और वहाँ से ये अपवर्ड ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो गया. अब हमने देखना है कि हमारा और एक नीचे जो टाइम फ्रेम है डेली का उस पर क्या सिनेरियो है. अभी देखो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं बात करूँ
तो ये पॉइंट्स को तो अगर आप ज्वाइन करते हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इक्वल लोज बने हैं, लो इक्वल लो, तो ये डबल बॉटम सिनेरियो है। और यहाँ पे जो लो पॉइंट्स हैं ऑन दी इंडिकेटर, उसमें एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है। ये देखो, ये सेकेंड लो जो है वो थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई। ठीक है जी। अब अगर मैं 4 आवर्स पर बात करूं, एंट्री हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे लेनी है, एनालिसिस आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे करना है। अब आप ये देखो, डाइवर्जेंस इज क्रिएटेड अगेन ऑन 4 आवर। यहाँ पे ये लो पॉइंट और ये लो पॉइंट को आप कंपेयर करो, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, L1 L2 लोअर लो। एट द सेम टाइम अगर आप इंडिकेटर्स को मॉनिटर करो तो ये अपवर्ड स्लोपिंग हुआ है, बुलिश डाइवर्जेंस। ये था मिड पॉइंट, ये वाला, ये हमारा ब्रेक हो चुका है। करेक्ट। तो अब हमने एंट्री कैसे लेनी है, अब हमने अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल उठाना है और हमने लोएस्ट पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब अभी देखो, पहली जो ब्लू लाइन है वो 23%, सेकेंड जो ब्लू लाइन है ये डार्क वाली, दिस इज 38%। सो 38% पे आया और यहाँ से फिर इसने अपवर्ड मूव स्टार्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे बुलिश एंट्री आपकी बनती है इस पॉइंट पे, ट्रेंड कंटिन्यूशन, यानी यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपने यहाँ से बाई किया, सपोज आपने यहाँ से बाय कर लिया, अभी तो मार्केट यहाँ से थोड़ी ऊपर जा चुकी है, लेकिन अगर ये आपका लाइव चार्ट होता तो यहाँ पे आप बाय करते, क्योंकि ये बुलिश कैंडल क्रिएट हो गई, बुलिश एंगल्फिंग एग्जैक्टली आफ्टर 38% रिट्रेसमेंट। इसके बाद हमने चेक करना है अपना टारगेट। टारगेट के लिए हमारे पास, हम फिर से चलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, डेली पे आ गए, वीकली पे आ गए। ठीक है। टारगेट हमारे डिफाइन कैसे होंगे, हमने फिब एक्सटेंशन टूल लिया, जहाँ से हमारा ट्रेंड हमने काउंट किया था, सबसे पहले लो, उसका हाई और फिर ये मिड पॉइंट जो क्रिएट होता है। ठीक है। इनको हमने ज्वाइन किया और फिब एक्सटेंशन जो है हमारा वाई इट्स नॉट विजिबल द नेक्स्ट लेवल, वन सेकेंड, आई एम जस्ट क्लियरिंग द चार्ट। और यहाँ से मैंने ये वाला लेवल आ गया हमारा नेक्स्ट, विच इज 4470। तो अपर बैंड को मैं जो नेक्स्ट लेवल है फेव एक्सटेंशन लेवल, उसको मार्क कर लेता हूँ एज माई टारगेट। ये टारगेट लाइन है, इसको मैंने मार्क कर दिया ग्रीन। ओके। सेकंड तरीका क्या है हमारे पास, ये जो हमारी रिट्रेसमेंट है ना, इस पे अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट टूल को रिवर्स फॉर्म में लेता हूँ, लोवेस्ट पॉइंट मूव इट रिवर्स एंड टेक इट टू द हाईएस्ट, तो इस पे भी हमारे एक्सटेंशन लेवल आते हैं। ये देखो, ये भी एक्सटेंशन लेवल हमारा आ गया यहाँ पे। सो पहला था हमारा 4470, सेकेंड हमारा आया है 4337। सो हमारे टारगेट जोन एक डिफाइंड हो गई है, वो है 4370।
43372 4470। ओके, हमने टारगेट अपना डिसाइड कर लिया और हमारा ट्रेंड बुलिश है वो भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं 4 आवर्स पे, क्योंकि हमने एंट्री ली थी 4 आवर्स पे। 4 आवर्स में हम क्या करेंगे, जो हमारा लेटेस्ट इंपल्स क्रिएट हुआ, ये रिवर्स वेब टूल को मैं हटा रहा हूं, जो हमारा लेटेस्ट इंपल्स क्रिएट हुआ वो हुआ यहां पे। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये 78% को तोड़ दे तो ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है, उसमें आपने एंट्री नहीं लेनी है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल हो जाएगा। आई एम मार्किंग अ ट्रेड। ओके, और ये हमने अज्यूम किया था कि 4 आवर्स पे यहाँ पे हमने एंट्री ली। ओके, सो हमारा एंट्री प्राइस हो गया 3617। ओके, 3617 एग्जिट लेवल इन केस ऑफ एसएल हमारा ये था 3434, तो उसके नीचे जो राउंड नंबर है मैंने वहां पे ले लिया 3400। ओके, तो हमने डाइवर्जेंस के साथ एंट्री ली और हमने टूल्स यूज किए फिब एक्सटेंशन एंड फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है जी, एंट्री हमारी 3617, एसएल हमारा 3400 एंड टारगेट हमारा था 4337 to 4470। तो मैं इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, टारगेट को मैं ले लेता हूँ 4300 लोअर साइड पे। सो 3600 में आपने 3400 यानी ऑलमोस्ट 217 पॉइंट्स का एसएल है, और यहाँ से अगर ये 4300 जाता है तो तकरीबन 750 पॉइंट का हमारा टारगेट है। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज़ वेरी हेल्दी, 1:3। इसी तरीके से आप हमेशा फिब टूल्स को यूज़ करो और अपनी एंट्री डिफाइन करो जहाँ पे आपको अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिले। ओके गाइस, और अगर आपको इसी तरीके के और भी एनालिसिस सीखने हैं, डिटेल में सीखना है कि फिब एक्सटेंशन टूल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, डाइवर्जेंस की और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, उनको अगर आपने सीखना है तो आप मेरे ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।